और यहाँ पे सब कुछ मैसी हो रखा है, ये मेरा सेवियर है। बस एक ही चीज़ मंगा पाई थी मैं घर से, बाकी तो सारी चीज़ें इसमें शिफ्ट करनी है जल्दी से। और अभी मैं बहुत ज़्यादा हाईली डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैंने एक हुडी ऑर्डर की थी, ये कौन सा पता नहीं क्या है, एक स्टोर से वेरोकोनिक ये जो भी है, ये यहाँ पे जो फैब्रिक इन्होंने यूज़ किया वो इतना ज़्यादा घटिया है और अभी मेरी मजबूरी है इसको यूज़ करना। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पैकिंग। ये बूट्स हैं, इनको पॉलिश करनी है, बाकी देखते हैं कौन से शूज़ लेने हैं। मैं अभी देखूँगी, अलमीरा पूरी बिखेर के रखी हुई है मैंने, तो अपने काम कर लेते हैं जल्दी से और फिर उसके बाद में मुझे और भी बहुत सारे काम है तो बाद में मिलती हूँ आपसे। लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए, खाना वगैरह खा लिया था हमने, साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, 12 बजने वाले हैं तो वहाँ पे पटाखे वगैरह लगे रहे, पटाखे लगा रहे हैं फिलहाल और अब आएंगे मजे क्योंकि भाई का बर्थडे है। केक जिसने मोमबत्ती उल्टी लग गई थी, अच्छा है केक तो सही है। और ये देखो केक चाट रही है, कटा भी नहीं है उससे पहले, दिखा अपनी शक्ल, मैं ग्लो कर रही हूं, सुंदर हूं, मैं क्या करूं भैया। मुझे पता 2 मिनट पहले पता हुआ था वो। क्या कर रहे हो, लाइटर दे ओ भाई, पैकिंग वगैरह सब डन हो चुकी है। अब हमारी रात को 1 बजे की ट्रेन है जलंधर कैंट से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, सब वेट कर रहे हैं तो जल्दी से चल लेते हैं। धीरे करके सारा खाना आ रहा है और बस प्लेटिंग वगैरह लेके बैठे क्योंकि सबको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आगे हम लोग खाना खाने के लिए, पटवारी भी बंद था, किचनेट भी बंद था, लोग पहले गए थे पटवारी वो भी बंद था, फिर उसके बाद किचन एड गए वो भी बंद था, तो अभी हम लोग आ गए अवन एक्सप्रेस खाना खाने के लिए। भूखे होके यहाँ पे बैठ गए, भूख लग रही है ना, लग रही है ना ऐसे। अरे निकल रहे सब लोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए, बाकी लोग जा रहे हैं बाइक पे, भर भर के जा रहे हैं लोग, गाड़ी पूरे हमारे बैग से भरी हुई है। आगे भाई उतर उतर के, मतलब 2 गाड़ी और 3 बाइक, तब जाके हमारा पेट भरा है, पहुंच गए हम लोग रेलवे स्टेशन। सब लोग रेलवे स्टेशन आ गए, यहाँ पे आके वेट कर रहे हैं, वो जा रही ट्रेन जा रही, ये होनी चाहिए ट्रिप पे जाने की। भाई साहब प्लेन में लगी है फिर भी जाएंगे, मम्मी पापा ऐसा कुछ दर्द वर्द वाली बात नहीं, आई एम फाइन। मत बोल मेरे पे प्रेशर क्रिएट मत कर, बोल सामान आ रहा है अंदर। अरे 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 आगे आगे आगे, बहुत ज़्यादा दूर चलने के बाद में हमें हमारी ट्रैवलर मिल गई है, यहाँ के बैठती हूँ सबसे ज़्यादा आगे। गाइस हम कहीं घुस गए, अभी हम निकल गए, ज़्यादा नींद आई थी, अभी हम स्टॉप पे रुके हैं चाय पीने के लिए। हम लोग जम्मू कितने बजे आ गए थे, हम लोग 5:30 बजे हम पहुंच गए थे। और अब कहाँ जा रहे हैं भाई, ओ भाई ओ भाई, अरे कहाँ जा रहे हैं हम, यार रईस से मिले, रोड जा रहे हैं रईस मलिक, हमारा दोस्त है, मतलब हमारे जो पूरा टूर है वो प्लान्ड है, बट बीच में हमने स्टॉप लिया अपने दोस्त से मिलने के लिए और बस अभी यहाँ पे चाय वगैरह पी के चलेंगे उसके पास।
आजा तू भी आ रहा है भाई साहब, दो घंटे की नींद में आग में कोई ना वर्थ इट है। हाँ वो तो है। ये टनल स्टार्ट होगी जो कि पूरे 9 किलोमीटर की है। हमारी खातरदारी खा रहे हैं सब लोग, ये वेज के बैठे हैं, ये नॉन वेज खा रहे हैं सब लोग, ये इंसान कर रहा है खातरदारी हमारी। इसका छोटा भाई है भाई, हेलो बोल। मैं नहीं बताऊंगा। देखो नई चीज देखी है मैंने, इतने स्वीट है, उन्होंने इतने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं हमारा। क्या ये कुछ मीठा है खाने का समय सोन पापड़ी है बट, और वहाँ पे मिठाई है, बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत ज्यादा। पूरी सेवा हो रही है हमारी मलिक फैमिली की साइड से। बार बार के खा लो, शरम वरम तो आती थी तुम्हें। भैया को लगी थी भूख तो हमने यहाँ पे रुके हैं सड़क पे ही, तो हमने लिया माजा, सबने पीने पे नहीं चीज है। पहलगाम के रास्ते में ब्रेक लिया हमने छोटा सा, अभी 2 घंटे और लगेंगे, पहुँच जाएंगे हम, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मिटी है, मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है बीच में, तो वो पूरा वैसे हाल हो गया कि बस अभी तो हमें नहाना ही है। अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, हम बीच में रुके हैं एप्पल गार्डन देखने के लिए, मैंने तो कभी नहीं देखा है सेब पेड़ पे लगते हुए, अब दिख गया, चलो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लगे हुए हैं एप्पल, ये सच्ची में पहली बार देखे हैं भाई, मैंने तो लगे हुए हैं। हाँ बना देती हूँ, फूल कभी देखे नहीं होंगे। हम टेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जैम और पिकल्स, ये एप्पल पिकल ये वाला अच्छा लगा बहुत सा। दे दे गार्लिक की कश्मीरी रोटी टेस्ट करूं, अचार के साथ ये इसे बेटर लगेगा। अरे बोलो क्या पे लेना है, कुछ टेस्ट कर रहे हैं फ्रेश बिल्कुल निकाल सर। कैसे पियो इसका लो टेस्ट है, ये मिक्स बॉक्स है। ना ना ये जो कहोगे, अरे बस अबे बिल्कुल ज्यादा ही बड़ी है ये तो। तो हमारा है फर्स्ट डे का स्टे, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है, बिल्कुल नियर बाई नदी है, वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, जाएंगे तब को रूम दिखा देते हैं सारे के सारे, सारी चीज़ें इसमें, एक्स्ट्रा बेडिंग वाला सोफा, वॉशरूम वगैरह, बस सब में मोस्टली सेम ही है काफ़ी हद तक। ये वाला रूम ही थोड़ा छोटा है बट बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये भी छोटा सा। एक ये वाला रूम है,
और एक ही आ रहा है। हम रेडी हो गए हैं, हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। बहन जी शक्ल दिखाइए। अरे घर परिवार सब देखेंगे, आंटी अंकल को याद आ रही होगी, फटाफट देख लेंगे। जल्दी देखिए ऊपर, जल्दी देखिए। नखरे कर रही है, फैशन कर रही है, देख लो गाइस, पूरा एकदम टिप टॉप हो जा रहा है। मैं तो ऐसे यार, और अब ये खा रहे क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है, सबको पता चल जाएगा। और बस हम जा रहे हैं नीचे फटाफट से। हम ले रहे हैं मोमोज, बड़े महंगे हैं भाई, बहुत महंगे हैं। लोगों ने क्या नाम है इसका, दाना पानी यहाँ पे है, एक फूड कोर्ट टाइप। तो यहाँ से हमने खाए हैं मोमोज, स्टीम मोमोज, समोसे, आलू टिक्की। थोड़े नीचे खाना खाने के लिए, अब तो खाना है डिनर रात का। तो गाइज अभी हम लोगों ने खाना अच्छे से नहीं खाया क्योंकि खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं बोलना चाहिए खाने के लिए, लेकिन वो खाने मतलब कोई टेस्ट ही नहीं है। रोटियां ऐसे जैसे कि रबड़ खींचने लग रहे, आधी कच्ची आधी पक्की, भगवान जाने क्या था। चलो ठीक है कि एड ऑन है होटल में, लेकिन खाना तो अच्छा दे सकते हो भाई, कोई दूसरी जगह से आ रहा है इंसान ने। हमने ऐसा कुछ खाया भी नहीं था अभी इवनिंग में, वो तो शुक्र है कि हम कुछ खाए आए थे बाहर से, लेकिन अगर नहीं खा के आते तो हम तो फिर भूखे ही मर जाते आज। तो बस कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत खाया है तो एडजस्ट हो जाए सुबह तक। और केक साहिल का ढूंढने की बहुत कोशिश की हमने नहीं है भाई, लेकिन हमें कहीं पे भी केक नहीं मिला। पता नहीं कैसी ही जगह केक ही नहीं मिल रहा, ना पेस्ट्री मिली, कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़ जिसको हम कट करवा सके और मतलब उसका बर्थडे एंड कर सके। बट कोई बात नहीं, उसका बर्थडे हमने मतलब स्टार्टिंग में केक कटवा दिया था, तो इतना भी बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।